हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बीके पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी कैफे कॉन्सेप्ट से कट ऑफ तक पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये सेशन इसलिए हो रहा है कि हम सुबह से जितने भी हमारी क्लासेस हो रही हैं, शाम को भी मेरी क्लास हुई, उससे पहले एक अनाउंसमेंट सेशन था सीईटी के संभावित सिलेबस के बारे में। उसमें भी बच्चों के रेगुलर कमेंट्स जो हमें मिले वो ये कि राजस्थान में एक शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ एक यूट्यूब चैनल, जो कि नाम पहचान का मोहताज नहीं है, उत्कर्ष परिवार, तो उनका जो चैनल है सर वो गायब हो गया है किसी टेक्निकल फॉल्ट के कारण, किसी टेक्निकल दिक्कत के कारण, या पता नहीं हैक हो गया है, ज़्यादा जानकारी नहीं। लेकिन जो इंस्टीट्यूट की फैकल्टीज़ हैं वो अलग अलग अपने जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ से या दूसरे चैनल से वो लाइव आकर ये बता रहे हैं कि हमारा जो चैनल है वो गायब हो गया है, चैनल के सारे वीडियोस और चैनल का पूरा सिस्टम ही गायब हो गया है, यूट्यूब पर सर्चिंग में ही नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, ये किसी भी यूट्यूबर के साथ, किसी भी चैनल के साथ, ये अपने आप में बहुत बड़ी ट्रेजिडी है और इस समय सबको सपोर्ट करना चाहिए, ये हमारा नैतिक दायित्व है। आपसी प्रतिस्पर्धा, एक ही एग्जाम के लिए पढ़ाना, ये सब एक अलग चीज़ है दोस्तों। प्रतिस्पर्धा होती है तो क्वालिटी में सुधार होता है, लेकिन जब भी ऐसी कोई समस्या किसी के साथ भी हो, सभी को उसमें सपोर्ट करना चाहिए, सभी को उसमें साथ रहना चाहिए। ये एक मानवीय जो दायित्व है वो हमारा बनता है। और मैं इस जो भी ये हुआ है, कैसे हुआ है उतनी ज़्यादा जानकारी नहीं, लेकिन जो भी हुआ है उसमें मैं, हमारा परिवार पूरी तरह से उत्कर्ष परिवार के साथ हैं। हमसे किसी भी तरह के सपोर्ट की या हमसे किसी भी तरह के सहयोग की जहाँ पर भी अपेक्षा होगी, हम बिल्कुल सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे। और उम्मीद है, प्रार्थना है ईश्वर से, और उम्मीद है कि जहाँ से भी ये दिक्कत हो रही है वो दिक्कत जल्दी से जल्दी सॉल्व हो। बहुत सारे लाखों विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि एक टीचर से रेगुलर पढ़ना, बच्चे का एक रिदम सेट हो जाता है सर। अब जब उस टीचर की क्लासेज नहीं हो रही हैं, पूरा का पूरा चैनल ही चला गया है, कई बच्चे बेचारे प्लेलिस्ट में पढ़ रहे हैं, अभी प्लेलिस्ट अधूरी रह गई है, 70 वीडियोस की प्लेलिस्ट है, किसी ने 20 ही देखे हैं, किसी ने 30 ही देखे हैं। अब ऐसी कंडीशन में, इस मझधार में वो स्टूडेंट भी परेशान है, जिसने चैनल इतना बड़ा बनाया, जिसने काम किया, जीरो सब्सक्राइबर से चालू करके मिलियंस तक, 9-10 मिलियंस तक जाना, बहुत बड़ी बात है अपने आप में। कितनी मेहनत लगी होगी हम समझ सकते हैं, हमें 4 साल में एक एक सब्सक्राइबर जोड़ने में हमने कितना प्रयास किया, कैसे उनको मेंटेन किया, कैसे बंदों को, स्टूडेंट्स को परिवार के साथ जोड़ के रखा, ये हम ही जानते हैं। तो एक फाउंडर डायरेक्टर के तौर पर, एक संस्था के तौर पर तो ये बहुत बड़ी दुर्घटना है, लेकिन एक स्टूडेंट के लिए भी एक बहुत चिंता का विषय है कि वो जिन टीचर से, जिन एजुकेटर से पढ़ रहा है, उनकी पूरी क्लासेज ही कहीं से गायब हो गई हूँ। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों, प्रार्थना सभी विद्यार्थियों को करनी चाहिए, सभी विद्यार्थियों को तैयार भी रहना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार के डिजिटल सपोर्ट की, किसी भी तरह की जो मदद हमसे हो सकती है अगर बनते हैं, तो बिल्कुल हम करेंगे और करनी चाहिए। तो मैं तो बस यही कहूँगा कि जैसे भी हो सके दोस्तों, ये ऐसी दुर्घटना किसी के साथ भी ना हो। कोई भी यूट्यूबर हो, कोई भी, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, अगर लोगों को फ़ायदा हो रहा है, बहुत सारे जो ऑडियंस है वो जुड़ा हुआ है, उनको कोई रेगुलर कंटेंट अगर किसी भी प्लेटफॉर्म से मिल रहा है, तो ऐसे किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ इस प्रकार की दुर्घटना नहीं होनी चाहिए, ऐसी भी हम प्रार्थना करते हैं। और ये जो दुर्घटना या ये जो ट्रेजेडी या ये जो समस्या उत्कर्ष परिवार के सामने है, ये भी बहुत जल्दी सॉल्व हो, ऐसी भी हम कामना करते हैं। आगे आपसे अगले वीडियोज़ में मिलते रहेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।